मानहानि किसी व्यक्ति के चरित्र, प्रतिष्ठा या ख्याति को गलत या दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्टेटमेंट प्रकाशित करके ठेस पहुंचाने की क्रिया होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मानहानि कानून क्या होता है, मानहानि क्या है, मानहानि के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मानहानि के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जब भी कोई मानहानि करता है तो उसके विरुद्ध में सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर दो तरीके से मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। सिविल नेचर में क्या दंड का प्रावधान है और क्रिमिनल नेचर में क्या दंड का प्रावधान है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अविलंब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मानहानि क्या होता है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 499 के अनुसार, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी मानहानि को ठेस पहुंचाने के लिए पढ़कर या किसी दृश्य के द्वारा या किसी प्रकाशन के द्वारा या किसी चिन्हों के द्वारा यदि कोई उस व्यक्ति की मान सम्मान को ठेस पहुँचाता है तो वह मानहानि के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यदि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाया जाता है तो वह मानहानि की श्रेणी में आता है। यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति को लेकर के लगाया जाता है, यदि वह जीवित होता तो ऐसे संबंध में उसकी मानहानि को सम्मान को ठेस पहुंचता तो वह भी मानहानि की श्रेणी में आता है। ऐसे ही यदि किसी कंपनी, संगम या किसी व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी हैसियत में कोई लांछन लगाया जाता है तो वह मानहानि की श्रेणी में आता है। दोस्तों, इसी प्रकार यदि किसी सत्य बात का लांछन लगाया जाता है या सत्य बात की टिप्पणी की जाती है या प्रकाशित किया जाता है तो वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। इसी प्रकार से यदि आप किसी व्यक्ति की भलाई या समाज की भलाई के लिए आप कोई टिप्पणी करते हैं या कोई मानहानिकारक लेख प्रकाशित करते हैं तो वह भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आपने वह किसी व्यक्ति की भलाई या समाज की भलाई के लिए वह टिप्पणी की है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप किसी दुकानदार से कोई सामान लेते हैं और वह दुकानदार यदि आपको घटिया किस्म का सामान बेचता है तो आप किसी अन्य व्यक्ति को उस दुकानदार के लिए घटिया किस्म का सामान बेचने के बारे में टिप्पणी करते हैं या लेख प्रकाशित करते हैं तो वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की या उस समाज की भलाई के लिए आपने ऐसे टिप्पणी कारित की है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानहानि के लिए दंड। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के मानहानि करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मानहानि के लिए दंड इंडियन पेनल कोड सेक्शन 500 में किया गया है। अब बात करते हैं हम सिविल केस के बारे में। सिविल केस में टोर्ट के अंतर्गत आप सिविल मुकदमा मानहानि करने वाले के ऊपर न्यायालय के अंतर्गत दायर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा टोर्ट लॉ के अंतर्गत जिस व्यक्ति के द्वारा मानहानि कारित की जाती है उसके ऊपर कंपनसेशन या मुआवजे या जुर्माना लगाया जाता है। वह मुआवजा या जुर्माना कोर्ट जिसकी मानहानि होती है, जिसकी ख्याति को ठेस पहुंचती है, जिसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, उस व्यक्ति की हैसियत, उसकी रेपुटेशन को देखते हुए कोर्ट निर्धारित करती है कि इसके ऊपर कितना मुआवजा, कितना जुर्माना किया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सिविल लॉ के अंतर्गत और क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत क्या क्या दंड का प्रावधान होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि सिविल लॉ के अंतर्गत कोर्ट जुर्माने का या मुआवजे का ऑर्डर करती है, और क्रिमिनल केस के अंतर्गत यदि हम बात करें तो कोर्ट 2 साल तक का साधारण कारावास का ऑर्डर कर सकती है। तो इसी प्रकार से सिविल केस और क्रिमिनल केस में यही अंतर है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, यानी कि किसी बात को आप मुद्रा के माध्यम से या लिख करके या उत्कीर्ण करते हैं तो भी उसके लिए भी आपको 2 साल का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ऐसे ही मानहानिकारक विषय रखने वाले या मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचना कि जिससे किसी व्यक्ति की मानहानि या मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, ऐसा यदि आप सामान को बेचते हैं या वैसा कोई सामान रखते हैं उसके लिए भी आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने जाना कि मानहानि कानून क्या है, मानहानि क्या होती है, मानहानि कितने प्रकार की होती है और यदि कोई व्यक्ति मानहानि कारित करता है तो उसको किस किस दंड से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय पर ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें।